स्वाधीनता के इतने वर्षों के बाद भी किसानों का आज वही हाल है। किसान आज भी कर्ज के नीचे दबे हैं, आज भी आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार को अपनी आय बढ़ाने की बजाय किसानों की आय बढ़ाने पर विचार करना होगा, क्योंकि किसानों की आय बढ़ेगी, मार्केट में पैसे का फ्लो बढ़ेगा तो सरकार की आय स्वतः अपने आप बढ़ेगी। बिना किसी राजनीतिक दृष्टिकोण पे किसानों की आय को बढ़ाने के लिए जो विपणन प्रणाली है, हमारी मार्केटिंग प्रणाली है, उस पर रिवॉल्यूशन लाने का विचार करें। इस बजट में किसानों की इस जरूरत का कहीं कोई जिक्र नहीं है। मैं माननीय सदन के सभी सदस्यों से आग्रह करता हूं, इस पूरे बजट में सेब शब्द का जिक्र कहीं मुझे बता दे। सीए स्टोर सेब सिर्फ सेब के लिए नहीं है मंत्री जी, सेब शब्द का जिक्र तक इस बजट में कहीं नहीं है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आने वाले 100 वर्षों में केवल वही जीवित बचेगा जिसके पास खेती की जमीन होगी। वर्तमान स्थिति में जो कुआं है वो प्यासे के पास जा रहा है, किसान जो भोजन पैदा करता है उसको लेके जाना पड़ता है। हालांकि होना तो यूं चाहिए कि प्यासे को कुएं के पास जाना है, कि 1500 की जो गारंटी की बात हो रही थी, बिल्कुल बिल्कुल मैं आपकी इस बात पे आ रहा हूं। ये जो 15 लाख का जो हमेशा हवाला दिया जाता है, मैं इस माननीय सदन का ध्यान 7 नवंबर 2013 माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कांकेर छत्तीसगढ़ में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि देश का इतना काला धन विदेशों में पड़ा है, अगर वो वापस आए तो इतना उसको क्वांटिफाई, सुनिए उसको क्वांटिफाई करने के लिए ये कहा गया था, ना कि ये कहा गया था कि 15 लाख लोगों के खाते में आएंगे। आप नो इंटरप्शन प्लीज। इस बजट को देखने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि सत्तारूढ़ दल ने कोरोना त्रासदी से भी कोई सबक नहीं लिया। कोरोना त्रासदी ने हमें यह बताया कि हमें जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है भोजन और स्वास्थ्य। भोजन आता कहां से है, खाना पैदा करता कौन है, हमारे किसान। स्वाधीनता के इतने वर्षों के बाद भी किसानों का आज वही हाल है, किसान आज भी कर्ज के नीचे दबे हैं, आज भी आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार को अपनी आय बढ़ाने की बजाय किसानों की आय बढ़ाने पर विचार करना होगा, क्योंकि किसानों की आय बढ़ेगी, मार्केट में पैसे का फ्लो बढ़ेगा तो सरकार की आय स्वतः अपने आप बढ़ेगी। हमें नहीं मिलती साहब पेंशन, वो आप देंगे तो मिलेगी, अभी तो उस पे भी आऊंगा। अभी वर्तमान परिदृश्य में किसान साल भर खेतों में पसीना बहाता है। किसान का संघर्ष केवल फसल उगाने तक ही सीमित नहीं है, असली संघर्ष किसान का शुरू होता है जब वो फसल तैयार होती है, उसको संवर्धन करने के बाद मार्केट तक पहुंचाना, और मार्केट में फिर जो मिडलमैन है उनके दलदल में जब किसान फंसता है। तो मेरा तो सरकार से ये आग्रह है कि सरकार बिना किसी राजनीतिक दृष्टिकोण पे किसानों की आय को बढ़ाने के लिए जो विपणन प्रणाली है, हमारी मार्केटिंग प्रणाली है, उस पर रिवॉल्यूशन लाने का विचार करें। इस बजट में किसानों की इस जरूरत का कहीं कोई जिक्र नहीं है। दूसरा, सबको मालूम है हिमाचल सेब उत्पादन करने वाला राज्य है, एप्पल स्टेट करके नाम है। मैं माननीय सदन के सभी सदस्यों से आग्रह करता हूं, इस पूरे बजट में सेब शब्द का जिक्र कहीं मुझे बता दे। सीए स्टोर सेब सिर्फ सेब के लिए नहीं है मंत्री जी, सेब शब्द का जिक्र तक इस बजट में कहीं नहीं है। महंगाई ना हो ये सभी चाहते हैं, परंतु महंगाई केवल किसानों की वजह से नहीं है,
महंगाई हमारी अप्रभावी विपणन प्रणाली की वजह से है। जिस तरीके से खेती की जमीन कम होती जा रही है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आने वाले 100 वर्षों में केवल वही जीवित बचेगा जिसके पास खेती की जमीन होगी। क्योंकि जब भोजन पैदा करने वाला दर दर की ठोकरें खाएगा और गरीबी के दलदल में डूबता जा रहा है, तो यह हमारी केवल इस विपणन प्रणाली का परिणाम है। वर्तमान स्थिति में जो कुआं है वो प्यासे के पास जा रहा है, किसान जो भोजन पैदा करता है उसको लेके जाना पड़ता है। हालांकि होना तो यूं चाहिए कि प्यासे को कुएं के पास जाना है। जब कोई भी देश, कोई भी राज्य तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक उसमें गरीबी की रेखा में रहने वाले किसानों का जीवन में सुधार नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, लाइफ टाइम्स टीवी लेकर आ रही है जूनियर डांसर्स के लिए शानदार मंच, हिमाचल डांस चैंपियनशिप, 16 साल तक के डांसर्स के लिए चमकने का सुनहरा मौका, सोनू ग्रुप और ड्यूक कैटेगरी में स्टेट लेवल का कंपटीशन, वीआईपीज और सेलिब्रिटीज की उपस्थिति में रंगारंग फिनाले, ऑडिशंस की डेट्स जल्द अनाउंस होगी। देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी, हिमाचल का सबसे लोकप्रिय डिजिटल न्यूज मीडिया चैनल।